यादें, बहुत कुछ दिल में है, बहुत कुछ पीछे रह गया है, अब काफी आगे चले गए। पैकेट पड़ा हुआ है, 100-100 के पैकेट है, और पहले तो ये 50-60 का ही था। आए जल्दी से, जो हम जा रहे हैं। वही नेकलेस पहन के जाएगी, पूरी तैयारियों के साथ जाती है। ये दिखाओ जरा, ये गई अपनी नेकलेस तो दिखाओ। कहाँ पे जा रहे हैं हम? बाइक पे जा रहे हैं हम, गाड़ी में जाएंगे। कहते मैं बाइक पे जाऊंगी, गाड़ी में बैठ के आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। तैयबा बहुत ज्यादा रो रही थी तो उसको छोड़ा बाबर के घर पे, तो 2-4 घंटे पहले ही हमने उसको छोड़ दिया कि अच्छे से चलो खेल ले, बाद में उसको ले लेंगे अपने काम निपटा के। तो बस थोड़े बहुत यहाँ पर काम थे, कुछ चीजें खरीदनी थी, और फिर वो अब नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगी। यहाँ पर मैं किसी काम के हवाले से भी आई हुई थी कराची में, एक और मकसद भी था, फिर आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल मैं आप सबको बताऊं कि अभी मैं कहाँ पे जा रही हूँ। स्पेशली वहाँ पर जा रही हूँ जहाँ से मैंने अपने YouTube की जर्नी शुरू की थी, जहाँ पर मेरा अपना खुद का घर था, 2 रूम वाला, आप सबको याद होगा। बहुत अच्छा टाइम भी देखा और एक बहुत मुश्किल टाइम पे भी देखा। एक बहुत ज्यादा जो मेरी एक मेहनत थी ना, जहाँ से मैंने एक स्टार्ट अपना लिया था, वो मैंने उस घर से लिया था, और उस घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं। वहां पर अभी तो खैर किराएदार बैठे हैं, लेकिन हाँ उस गली में, उस जगह पे जाने का बहुत दिल है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वहां से गुजर रहे हैं तो वहां पे भी चलेंगे। वो मेरी बैल्कनी हमारी जो बैल्कनी थी ना, वहां पे मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। एक अल्लाह से बात करने का जो मेरा एक स्टार्ट था ना, मैंने वहां से शुरू किया था। बैल्कनी जो थी वहां पे मैं बैठती थी, आसमान को देख के ढेर सारी बातें करती थी, वो सब मुझे बहुत याद आता है। दूध की दुकान हो गई जहाँ से हम राशन लेते थे, सब कुछ वहीं पर ये रास्ते में देख। पर ना ये चीज है, रश बहुत ज्यादा होता है और आराम आराम से गाड़ी निकलती रहे, और उसी तरह से ना यहाँ की ड्राइविंग भी थोड़ा मुश्किल है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने मोहल्ले में। सबसे पहले मैं आपको वो वाली शॉप दिखाऊंगी जहाँ से मैं लाइट लिया करती थी अपना, जहाँ से मैंने अपना मेकअप का काम शुरू किया था। इधर उधर वीडियोज देखा करती थी तो बाकियों का कैमरे का रिजल्ट, लाइटिंग, सब कुछ इतना परफेक्ट होता था, और उस हिसाब से मेरे पास छोटा मोटा मोबाइल था तब, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं था, और मतलब कैमरा भी ऐसा साफ नहीं था, तो बहुत ही काली काली सी वीडियो, ऐसे धुंधली सा साफ नहीं होता था। तो फिर मैंने क्या किया था कि मोबाइल तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, मोबाइल तो नया खरीद नहीं सकती, मैंने ना लाइटिंग बढ़ाना शुरू कर दी थी। पहले मैंने एक बल्ब लिया, बस बड़ा वाला था। पहले मैंने ना पूरे एक रूम था ना, उसमें मैंने 2-4 बल्ब लगाए, उससे लाइटिंग इतना नहीं पड़ रही थी फेस पे। फिर यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पे लाइटिंग महंगी हुआ करती थी, जैसे बड़े बल्ब और ट्यूबलाइट ये सब लेते हैं, तो मैं उनसे 100-200 के लिए लड़ लड़ के कम करा के, काफी बार मैं उनसे पैसे रखवा के उधार पे भी लाइटिंग लेकर आई थी। मैंने मेकअप का काम यहाँ पर यूट्यूब पे दिखाना शुरू किया था, और वो शॉप मेरे बिल्कुल सामने ही है। यहाँ से मैं लाइट लिया करती थी, बल्ब लिया करती थी, और मैंने एक एक करके मैंने बहुत सारे फिर पीछे बल्ब लगा दिए थे जो फेस पे पड़ते थे ना। फिर वो जो मेरा इतनी लो क्वालिटी का फोन था ना, उसका कैमरे का रिजल्ट बेटर दिखता था, और वही वीडियोस हैं जो अब आप पीछे भी मेरे देखोगे तो उनसे ही मैं वीडियो शूट किया करती थी। चले आए थे आप तो छोटी थी, आपको तो कुछ पता ही नहीं था। चार पाई से झूला बंधा रहता था, बस इसको झूला देते रहते थे, मिल्क लेते थे, इसका दूध और डायपर ही पूरे नहीं हुआ करते थे। बस ये रोती थी कि मुझे दूध चाहिए, पूरी करने में लग जाती थी। रोल शोर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो गाइस लाइटिंग की शॉप, ये रही वो शॉप लाइटिंग देखने के लिए, ये वाली लाइटिंग खरीदने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये इतनी बड़ी शॉप है, और यहाँ पे मैं लाइटिंग लेने के लिए आया करती थी। ये एक्सटेंशन यहाँ से मैं लेने आया करती थी, बहुत सारे स्विच लगते थे लाइटिंग में, इसका दिल होता था ये लूँ, ये महंगी होती थी तब, तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये वाली जो ट्यूब वाली लाइटिंग है ना, ये सस्ती भी पड़ती थी, और इसमें जो है ना कलर, इसकी लाइट बहुत तेज आती थी येलो कलर की, तो जिससे ना मेकअप हमारा बहुत खूबसूरत लगता था, तो मैं येलो कलर की लेती थी बड़ी वाली ट्यूबलाइट। और मैं कुछ पैसे जमा करके पहले मैं एक ट्यूबलाइट ले गई, फिर कुछ जमा करके फिर 2 ले गई, मतलब 4-5 मैंने ये ट्यूबलाइट ली थी, और चारों तरफ लगा कर अपने फेस पे लाइटिंग देती थी ताकि अच्छा मेकअप हो। तो मतलब ये पूरी मार्केट है, पीछे मोहल्ला है, पीछे घर है, और ये पूरी मार्केट है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। और गाइस यहाँ पर जो है ना शोर बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी ना मैं आपको अभी बर्गर वाली शॉप दिखाती हूँ, जहाँ से मैं पैसे कुछ जमा करके आकर ना, जब दिल करता था ना बहुत ज़्यादा बर्गर खाने का, तो फिर मैं यहाँ से बर्गर लेने आती थी। ये देखो आज भी सारी शॉप वहीं की वहीं है जहाँ से हम खाते थे। मुस्तफ़ा को भी यहाँ से दिलाती थी मैं। अब आगे चलती है अपने मोहल्ले में अंदर की तरफ। गाइस इसके अलावा जो आपने मेरा ग्रीन सूट देखा था ना,
जिसके साथ मैंने मेकअप किया था और अक्सर थोड़ी बहुत जो भी लेसेस कुछ भी लेना होता था। तो ये देखो ये शॉप है, मैं अबाया पहन के ना आती थी और अपने सारे काम खुद ही करती थी, यहाँ से लेसें लेकर जाती थी। तो देखो आज मैं अपने मोहल्ले की गलियों में घूम रही हूँ जहाँ पर सारा कुछ इसी मोहल्ले के अंदर ही मिलता था, कहीं अलग मॉल मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पर ना ये लाइन से सारे ऑटो लगे हुए, यहाँ पास से ऑटो पकड़ो और आगे निकल पड़ो। ये रहा पराठे वाला, यहाँ से पराठे लेने के लिए मैं मुस्तफा को भेजा करती थी, चने और पराठे यहाँ से हम लेते थे। ये कोने में शॉप है, ये चलते हैं। अभी अंदर मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। अभी तो ये पेड़ भी आ गया बीच में ना, ये नीम का, मेरे ख्याल से पहले ये नहीं था। इतना प्यारा लग रहा है, हरा भरा। कितना टाइम हो गया, 2 साल हुए होंगे यहाँ से गए हुए। शायद ये छोटा था, अब बड़ा हो गया बहुत। और अभी हम इंटर हो रहे हैं अपने घर की गली की तरफ। सारी गलियाँ याद है, सब याद आ रहा है। अल्लाह अल्लाह पाक ने कहाँ से कहाँ देखो पहुँचाया। तो मेरे जिसने पहले के जो भी मेरे व्लॉग देखता है ना, पहले के व्लॉग मेरे जितने भी देखे होंगे ना, सबको ये वाली गली याद होगी। गाइस देखो अभी हम पहुंच गए अपने घर की तरफ। ये है वो बिल्डिंग जहां पर हमारे गेट की, इस बिल्डिंग की एंट्रेंस थी, यहां से हम जाते थे। और ये हो गया पहला फ्लोर, ये हमारा घर रहा। इस बैल्कनी से मैंने बहुत सारे व्लॉग भी शूट किए और इस बैल्कनी के साथ मेरी बहुत सारी यादें। यहां से बैठ के देखो इतना इतना सा ऊपर आसमान दिखता था और यहाँ पर मैं ढेर सारी बातें करती थी, मुझे यहाँ अपने बैल्कनी में जगह मिलती थी। और ये हमारे बच्चों के टीचर का घर, यहाँ पे हम होते थे और यहाँ पर बच्चे ऊपर सामने पढ़ते थे ना, मैं ऊपर बैल्कनी से इनको देखती थी, यहाँ सामने पढ़ने जाते थे। यहाँ पर हमारी बाइक की पार्किंग, यहाँ पर सबकी बाइक की पार्किंग ऐसे होती थी ना, ये वाली जगह हमारी पक्की होती थी, यहाँ हम खड़ी करते थे। ऐसी पुरानी यादें हैं यहाँ पर, टाइम ऐसे लगता है कि ना अभी भी सब वही रिपीट हो रहा है दिमाग में, वही सब याद आ रहा है। कैसे यहाँ से मैं सुबह सुबह निकलती थी दूध दही लेने के लिए, बच्चे ऊपर होते थे उनका नाश्ता, जल्दी उनको नाश्ता बनाने के लिए पहले मैं अबाया पहन के शॉप पे जाती थी, ये सारी चीज़ें खरीद के ला के रखना, फिर नाश्ता बनाना, फिर बच्चों को भेजना। पहला वैसे ये ट्यूशन था बच्चों का, उसके बाद फिर हमने चेंज किया था आगे था। और ये हमेशा की तरह पानी में भरी रहती थी हमारी बिल्डिंग के, यहाँ पे लैन का पानी आता था, हम अपनी केन रखते थे, अपनी केन यहाँ पे रखते जाते थे, मुस्तफ़ा कभी ले आता था ऊपर, कभी मैं ले आती थी, बाल्टियाँ भरते थे और कभी ज़्यादा ये भरते थे। जब ये नहीं होते थे, जॉब पे होते थे, तो फिर मैं सारी भर भर के नीचे जमा करती थी और कुछ हम उठाते थे, बाकी ये उठाते थे। मीठे पानी की इतना कमी थी यहाँ पर। ये रहा सामने हमारे सर का घर, जो मेरे बच्चों को सर पढ़ाते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। हाँ बहुत नेक थे, बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया। यहाँ पे सामने खड़े होते थे, जैसे पानी का टाइम होता था ना, तो आवाज़ देते थे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मोटर चला दो, पानी आने वाला है। अरे ये देखो, ये रहा मेरा घर। ये गेट भी हमने आकर लगवाया था ना, वाइट। ये हमारे हाथ की लगाई हुई केबल भी है। हाँ ये हमने जो लगाई थी अभी तक वही लगी हुई है, वही है। ये आपने कील मार के सेट किया था ना यहाँ पे, जो हमने केबल लगाई थी अभी तक वो केबल भी इधर ही लगी हुई है। मैं सैलून जाया करती थी ना, तो मेरी मंडे सैलून से छुट्टी होती थी, मंडे को आकर मैं ये घर धोती थी ना, तो मुझे याद है कि यहाँ से झाड़ू मारते पूरा घर धोना, सीढ़ियों तक नीचे चमका के आती थी मैं। और हाँ हमारी आयत छोटी थी ना, उसको बहुत दिल होता था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, बाहर निकलना है। नीचे जो नेट है ना, यहाँ वो क्रॉलिंग करती थी ना, तो नीचे आकर यहाँ पे बैठ के जाली से देखती रहती थी, ऐसे हाथ मारती रहती थी कि बाहर जाना है, बाहर निकलना है। जैसे इनके पापा भी जाते थे ना, तो यहाँ पे बैठ के रोती रहती थी कि मुझे पीछे जाना है। और जैसे कोई बैल देता था ना, तो मैं यहाँ ऊपर से देखती थी नेट से कि कौन आया बाहर। ये था हमारा घर, ये थी हमारी यादें, बहुत कुछ दिल में है, बहुत कुछ पीछे रह गए, अब काफी आगे चले गए। यादें तो कभी भी खत्म नहीं होती, वो रह जाती है, खत्म नहीं होती। और ये देखो ये भी हमने लगाया था, ये जो गद्दा लगा हुआ है ना, ये पहले नहीं था, पूरा ऐसा नेट था, तो यहाँ से आते जाते सबको दिखता था, तो यहाँ पर ये गद्दा लगवाया था, वो भी अभी तक लगा हुआ है। आया था, कोई याद है ये हमारा घर था, याद है फ्रेंड के साथ जाना है। तो काफी नेबर ना हमारे, वो पहले वाले भी नहीं है, वो जो पहले नीचे होते थे ऊपर थे, उन्होंने भी चेंज कर दिया, वो भी यहाँ पर नहीं बैठे। अभी बारिश होती थी, मौसम बहुत प्यारा होता था, तो यहाँ पर आ जाते थे। ये देखो ये वाली जगह थोड़ी सी खुली है, छठा फ्लोर छत का, फिर ऊपर चढ़ के जाते थे, सब इतना खुश होते थे जब बारिश होती थी, बारिश देखने के लिए। अल्लाह कभी दुआ मांगती थी, अल्लाह पाक बस इतनी सी छत दे दे जहाँ पर मैं सुकून से चारपाई रख के ना ऊपर खुला आसमान देखती रहूँ, ऐसी दुआएं करती थी अल्लाह से। और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिए, बहुत सारी यादें भी। अभी खैर अंदर ना वो किराएदार है और अच्छा नहीं लगता ना,
उनको क्या पता हम कौन ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो फिर प्राइवेसी होती है सबकी। मुश्किल टाइम हम देखते हैं जिससे हम स्ट्रांग होते हैं, जिससे हमें आगे चलने में हिम्मत मिलती है, वो सब देखा ना तो सच में हिम्मत मिलती है। चलो 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 यहीं से मैं ले जाता था फर्स्ट फ्लोर पर। बड़ी बड़ी हम शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह का हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जिनके दो दो तीन तीन फ्लोर ऊपर थे ना, वो ऊपर तक ले जाते थे। तो चलो थोड़ा सा हम लेट हो गए बाहर निकलने में, क्योंकि जो हमारे घर के मालिक मकान थे ना, वो हमें मिल गए, फिर अंदर ले गए, उनके साथ थोड़ी देर बैठे रहे, कैमरे तो सामने नहीं आते, तो हम पानी फिल्टर का ना यहाँ से लेते थे। हमारे घर की गली है, गली से निकलते यहाँ से फिल्टर का पानी लेते थे। मैं आपको वो शॉप तो दिखाती हूँ जहाँ से हम उधार पे राशन दिया करते थे, हर महीने में उनसे उधार पे राशन दिया करती थी, जब इनको सैलरी मिलती थी तब हम उनको दिया करते थे एक महीने बाद। लोग पता नहीं अभी यहाँ पर हैं या नहीं है, लेकिन शॉप अभी भी किसी और ने शायद अभी खरीद ली है ना। ये वाली शॉप थी ना, यहाँ तो टेंट वाले आ गए। अभी ये देखो एक ही पूरी बड़ी शॉप थी राशन की, इस साइड पर स्टेशनरी वाले आ गए और इस साइड पर ये टेंट वाले आ गए। चाय का दूध ले लें वो सामने से दुकान से दूध लेते हैं, फिर चाय पीते हैं। आयत अंदर पहुंच गई, उसको स्लाइम चाहिए। ले लिया स्लाइम, चलो आ जाओ। हाँ मैचिंग कलर में लिया है। हम चलते हैं सामने, ये देखो दूध वाले की शॉप है। आज भी रेड़ी पे देखो ऐसे सब्जियाँ सब लगी होती हैं। मोहल्ले में देखो रहने का ना ये फायदा होता है कि टाइम पर ना हर एक चीज़ आप जैसे बाहर निकलोगे ना सब कुछ मिल जाएगा, दूर दूर नहीं है। ये कितने का पैकेट पड़ा हुआ है? 100-100 का पैकेट है, और पहले तो ये 50-60 का है ना, 60 का मिलता था। उस टाइम सस्ता था ना, उस टाइम सस्ता था, अभी दूध भी महंगा है। 1 किलो दे दो, 1 किलो दे दो, 1 किलो इकट्ठा। यहाँ पे ना अभी लड़के भी चेंज हो गए, वो पहले वाले थे ना तो वो हमें पहचान थे। ब्रेड बच्चों के लिए, ब्रेड अंडे यहीं से ही मिले। जब से हम गए तब से दुकान पर। चलो गाइस देखो हमने यहाँ से 100 रुपीज़ का दूध ले लिया, यहाँ से हमेशा लेते थे, और आज इतना टाइम बाद 2 साल बाद दोबारा आज दूध लेने के लिए। अब ये दूध घर लेकर चलते हैं, चाय बनाते हुआ करते थे। यहाँ पे मेडिकल स्टोर है जहाँ से हमेशा दवाएं लेने आते, वो इस तरफ वो आगे मेडिकल स्टोर। रोटी तो यहाँ से लेते थे, तंदूर रोटी, मैंने ब्लॉग भी बहुत दफ़ा बनाया था पहले। तो गाइज ये देख लो आप अच्छे से हमारा मोहल्ला, ये था मेरा मोहल्ला जहाँ से हमारी YouTube की जर्नी शुरू हुई थी। अब इसी से एक दो गलियाँ छोड़कर हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर मेरी मतलब यहाँ से एक जब मेरा YouTube नहीं था और जहाँ पर मैं रहती थी ना, वो एक दो गलियाँ छोड़कर आगे है। और देखो मुझे आज भी वैसा लग रहा है जैसे दूध सब्जी यहाँ से लेकर मैं शॉपर वैसे थैलियों में निकलती थी, वैसा लग रहा है। यूँ पकड़ के आती थी ऐसे पकड़ के ना, सब्जियों के थैले होते थे, राशन होता था, तो मैं ऐसे उठा लेती थी और फिर जाते थे घर। आये तो गोट देखी है, गोट देख रहे, देखिए गोट। यहाँ पर आकर पहुंचे ना लाइट भी चली गई। अभी मैं वहाँ पर जा रही हूँ जब हमारे हालात बहुत ज्यादा डाउन थे, और हम हर महीने जो है ना वो उधार पे यहाँ से भी राशन उठाते थे, और इनको जो है ना हम हर महीने दे भी नहीं पाते थे। दो दो महीने अक्सर लेट कर देते थे, और इन्होंने कभी भी हमें नहीं इनकार किया कि हम आज नहीं दे रहे, तो आज हम उनकी शॉप पे आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आपने हमें पहचान लिया? जी जी बिल्कुल पहचान। कैसे हैं? ठीक हैं, तो अल्लाह करम ठीक ठाक। अच्छा आप बताओ क्या हो? देखे हमने आपको याद रखा, हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, वहाँ से यहाँ आए। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। हाँ। और क्या खिदमत करें आपकी? जी बहुत शुक्रिया। बाकी भाई सब ठीक है? सारे ठीक ठाक है। सही है भाई, ये वो छोटी है, सही है भाई, ये दिखाई नहीं से बस छोटी आयत। हाँ ये सबसे छोटी, इसको नहीं देखा था? नहीं। हाँ इसके टाइम पे हम ये वाला मोहल्ला मुस्तफा और तैयबा यहाँ से हमेशा चीज लेने आते थे। देखो मुस्तफा और तैयबा ना ऐसे जैसे ये बच्चे खड़े हैं ना, यहाँ पे खड़े रहते थे चीज लेने के लिए, ये लेना है वो लेना है, इतना जिद करते थे। नहीं गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हम मिलने आए थे बस आपसे। बाकी घर पर है सब ठीक ठाक है, काम सही चल रहा है? आपने कभी YouTube चैनल देखा है हमारा? कौन से पता चला है आपको कि हम अभी यहाँ नहीं है कराची में? नहीं अभी मैंने नहीं देखा फिलहाल, महीना एक हुआ अभी नहीं। अच्छा जैसे हम आए मोहल्ले में लाइट भी चली गई है, हम थे यहाँ पे यही हाल था, आज हम आए तो आज भी वही हुआ है। तो हम जैसे आए हैं गौतम भाई से मिलने के लिए, उन्होंने अपनी शॉप की हमें जूस भी पिलाए, जूस दिए,
पीने के लिए, और हम सिर्फ मिलने के लिए आए थे और कुछ भी नहीं। और बहुत अच्छा लगा आपका ये काम, अल्लाह पाक इसमें और बरकत डाले। जब भी हम यहाँ से चलते हैं, ये थी गौतम भाई की शॉप, इनसे हमने मिल लिया। जैसी थी जहाँ पे थी अभी भी वैसी है, छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे रश बहुत लगा रहता है हर टाइम। मेरी फ्रेंड भी है, उसका भी घर है अभी, शायद वो यहाँ पर नहीं, उसकी शादी हो गई है। जो मेरे बच्चों को सबसे पहले पहले पढ़ाया करती थी ना ट्यूशन, वो वाली मेरी फ्रेंड। चले अभी वापस भाई की शॉप, और उसके साथ जो घर था जहाँ पर मैं रहती थी और सामान लेने आया करते थे, वो ये है इस गली में। अल्लाह, यहाँ पे भी मैंने तकरीबन 5-6 साल, शायद 5-6 साल मेरे यहाँ पर इस घर में गुजरे हैं। ताला लगा हुआ है, कहीं गए हुए हैं। वैसे ये हमारे रिश्तेदार ही हैं, इनके घर का तो खैर अभी ताला लगा हुआ है। ये रही सीढ़ियाँ और ये फर्स्ट फ्लोर, वो रही विंडो। अंधेरा भी हो रहा है ना, ये रहा सामने रूम। यहाँ से विंडो से बच्चे हर टाइम देखा करते थे, कुछ कहीं से भी लाइट नहीं आती थी, पूरा घर ये चारों तरफ बंद है, बस यहाँ से थोड़ी बहुत रोशनी आती थी, यहाँ से बच्चे बैठ के देखा करते थे। सीढ़ियाँ कैसे रंग बिरंगी कर दी हैं, कलरफुल हो गई हैं। और जब लाइट जाती थी ना, बहुत गर्मी होती थी, तो पूरा घर तो चारों तरफ बंद है ना, कहीं से हवा नहीं आती थी, तो हम यहाँ सीढ़ियों में आकर बैठते थे कि हमें यहाँ पे ना गली में थोड़ी बहुत हवा आती थी। तो ये हो गया सबसे पहला वाला घर। चलें, हाँ ये तो तब थी भी नहीं इस घर में, तो ये पैदा ही नहीं हुई थी। देखो गाइस, ये हमारा सबसे पहला वाला मोहल्ला है, सबसे पहले मोहल्ले में ना लाइट भी गई हुई है, तो सारी ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कहीं से हवा कुछ भी नहीं आती। तो देखो जब फुल गर्मी आती है तो यहाँ पे क्या हालत होती है। तो चलो यहाँ से हमने तैयबा को भी ले लिया, खेल लिया बाबर के घर से, मजा आया। अभी और भी खेलना है, अब बस करो, कितना खेलूंगी अब इसकी बारी है, अब हम यही करते रहे, एक दूसरे को छोड़ते रहे। चलो अभी हम वापस आ गए गेस्ट हाउस पे, और ये दूध लेकर आई हूँ, कब से लेकर घूम ही रही हूँ। इसकी चाय ने तैयारी करानी है, बच्चों के सारे कपड़े वपड़े, अपने कपड़े सब कुछ अभी निकाल के सारी तैयारियाँ करके रखनी है कल के मीटअप के लिए। देखो हम तो आते हैं ना डायरेक्ट यहाँ पर इस रूम में आते हैं, तो ये देखो ये काफी बड़ा है, वो सामने किचन भी है, वो जहाँ पे डोर खुला है वो किचन हो गया, यहाँ पे टेबल होगी जिससे बाहर आके कोई खाना खाए बैठे, यहाँ बाहर कोई आते नहीं है, अंदर ही खा लेते हैं। ऊपर भी है घूमने फिरने के लिए। हाँ कह रही शूज उतारो, सबर वाला है मेरा बच्चा, सबर वाला। ट्यूशन चले गए, तो फिर ट्यूशन से वापस आए, फिर मैंने खेला, फिर आप लोग बातें चुपचाप सुन रही है कि मैं तो नहीं खेली, मैं तो घर पे रह गई हूँ, ये खेल खेल के आ गई है। सबर वाला बच्चा है, एक दफा रोई अब चुप हो गई है। वापस आए, थोड़ी देर रेस्ट की है, और अभी देखो हमारे उस दूध की चाय बन गई है जो मैं स्पेशली दूध लेने गई थी। ये देखो किसकी किस्मत में है चाय, सुमेरा भी आए, देखो दाने दाने वाले पे लिखा है दूध खाने वाले का नाम, पता है कहाँ से लाई? वो हमारे मोहल्ले में जो शॉप थी जहाँ से मैं दूध लेने जाती थी, वहाँ पे आज उस शॉप पे भी गई हूँ, और वहाँ से फिर मैंने दूध भी लिया 2 साल बाद। तो चलो अभी जैसे आए हैं ना, चाय तो पी ली है, और फिर बीच में कुछ मेहमान आ गए थे उनके साथ बैठे हैं, और अब आए हैं बाबर भाई, अब एंट्री मारी है। सुनाओ बाबर भाई। ठीक भाई, आप सुना कैसे? ठीक हो गाइस, कल मीटअप है, बता दिए सबको? यह मैं बताया था, लेकिन मुझे वो कंफर्म नहीं था कि कौन सा था, ये वही है जो मैं देखा। हाँ, जो पहले अफगान कारपेट के साथ, अफगान कारपेट के साथ दिल्ली कॉलोनी में बच्चा पार्टी के साथ। मैं आज जो ना देखो, और मैं इंस्टाग्राम पे जाकर सबको टक 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 सबको भेज, सबको रिप्लाई करो इंस्टा पर, और अपने यूट्यूब पे भी कम्युनिटी लगाना। मुझसे काफी लोग ना पूछे थे कि भाई यहाँ सिर्फ मैं अकेला आ सकता हूँ, मेरे बच्चे बहन भाई, मैंने बोला यार कोई भी आ सकता है, जितना भी हो, आपके घर में से कोई 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, सारे एक साथ आओ, सबको अलाओ है, सब आएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक ही मीटअप यहाँ पे रख रही हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिलता है, कब कराची आऊँ, ये सब दोबारा कब होगा, ये तो 1 मिलियन हुआ ना, अब 2 मिलियन पे होगा। तो भाई आज मैं था, एक तो मैं अपना गिफ्ट लेकर आया था, एक ही आपके पास पीआर आया, तो ये पीआर वाली ड्यूटी अभी तक तुमने संभाली हुई है? ये पता नहीं, तुम आती हो खुद ब खुद आ जाते, अभी मेरे पास 8-10 और भी थे, मैं उनको बोला साज भाई से आप रब्ता कर लें, हाजत के साथ एक छोटी सी चॉकलेट थी वो मैंने खा ली। ये देख लो, वो आराधना रास्ते चलते वो आराधना भूख लग गई चॉकलेट को देख के ना किसी का भी दिल पिघल जाए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन रास्ते में मेरा सबर टूट गया, मैं उसको खा गया। चलो अच्छा क्या, मैं खोल ही लेती हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले ये चमचमाता, अच्छा इसमें ना ये लेंस आए, और देखो लेंस की इतना ज्यादा खूबसूरत पैकिंग हुई हुई है, मैच दूसरा बॉक्स हो गया, तो ये भी लेंस ही है। अभी मैं इनको खोल के चेक करती हूँ, इतना खूबसूरत पैकिंग हुई है, देखो एक ये रेड बॉक्स है और एक ये सिल्वर, और बाकी इसके अलावा ये क्या है? हाँ ये इसका वाटर है। खूबसूरत मुझे ये पीआर आया है लेंस का, इनका जो पेज है वो मैं इंस्टाग्राम पे मेंशन करूंगी। बाकी जिन्होंने अभी भेजा, ये सब्सक्राइबर भी है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया बाबर से कि उनको बोलना कल मीटअप पे जो है ना जब जाए रेडी होकर तो हमारे लेंस जरूर लगा कर जाए, तो इंशाल्लाह जरूर लगाऊंगी। अभी मैं चेक करती हूँ कौन कौन से कलर है। चीज है जो तनी क्यों तुम्हारे नसीब में, कितने दिनों से भटक रही है मेरे पास। ये मैं सऊदी से लाया था और तकरीबन इसको 5-6 महीने हो गए,
पाँच छह महीने हो गए मुझे आए हुए, नहीं जो तीन जो तीन चार महीने दो बार मैं उसको पंजाब लेके गया हूँ। जब हम यहाँ से गए थे तब तुम नहीं थे ना, जब हम यहाँ से इस्लामाबाद गए नहीं उस दिन मैं अभी जो ना दो तीन बार मैंने सोचा आज जाता हूँ लेकिन घर पे रह जाता है आज इसको मैंने बोला दे ही देता हूँ। जब सऊदी गया था ना वहाँ से सबके लिए गिफ्ट लाया था तो इतना खूबसूरत लग रहा है थोड़ा सा मुझे दिख गया थोड़ा इतना खूबसूरत टूटा हुआ नहीं नहीं टूटने वाला तो ये दिख ही नहीं रहा है एक मिनट का ये कितना अच्छा है। याद जब कुछ चीज याद करो ना तो फिर इसको रगड़ लेना कुछ ना कुछ आ जाएगा। अच्छा ये मुझे सच में एक तो इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा है और ये मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच बाबा इतना खूबसूरत गिफ्ट लाने के लिए। अब तो इसको सजा के रखूंगी अपने घर। सच में बाबर मुझे तुम्हारा ना ये वाला गिफ्ट ना इतना ज्यादा प्यार ऐसा ना सिल्वर में था लेकिन मुझे लगा कि वो सिल्वर नहीं रेड वाला थोड़ा ना उठा हुआ कलर है। हाँ है भी वजनी ना अच्छा है असली माल लेकर आई हूँ एकदम कड़क माल लाए। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड। अभी सुबह हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं तैयारी करने में। तो अभी बस हम जल्दी जल्दी तैयारी और अब मुझे बच्चों की तैयारी करानी है अपनी तैयारी करनी है और आज है फाइनली हमारा मीटअप आप सबसे। और व्लॉग का एंड नहीं हुआ था इस वजह से व्लॉग का एंड नहीं हो पाता क्योंकि रात में ना सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाते जमा हो जाते और सबको सबके साथ बैठी रहती हूँ तो बस बातों बातों में वही बातें करते करते नींद आ जाती है और व्लॉग फिर एंड नहीं हो पाता। ऐसा ना कि यहाँ पर सबके घरों में जाने से बेहतर है कि सब यहाँ पर आ जाते हैं तो ये जगह थोड़ा खुली भी है बड़ी भी है यहाँ पर बैठ के बातें बातें हो जाती है। तो चलो मिलते हैं मीटअप पे अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होगा और क्या बेस्ट ऑफ लक खुद को आप सबको करनी है तैयारी करके निकल रहे टाइम भी बहुत हो गया एडिटिंग करने में टाइम लग गया है नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। तो चलो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोशिश करूंगी वहां पर अगर मैं लाइव आ सकी तो क्योंकि सब ने रिक्वेस्ट किया लाइव आने का तो देखते हैं अगर वहां पर लाइव आ सकी तो जरूर आऊंगी। तो चलो बाय बाय अल्लाह हाफिज़।